दोस्तों, आज मैं आपको टर्मिनल 3 न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे लेके आया हूँ। अभी मैं अराइवल साइट पे हूँ। प्लेन से जस्ट लैंड किया है मैंने और लैंड करते ही ये दृश्य सामने आता है, तो आपको दिखाना शुरू करता हूँ। अराइवल साइट, ये एक हॉल दिखता है जो अराइवल हॉल है, और यहाँ पर अच्छा कारपेट बिछा हुआ है। डिपार्चर साइट में जाने के लिए ये रैंप बने हैं। डिपार्चर साइट या एग्ज़िट आपको करना है तो इस रैंप के थ्रू आप जा सकते हैं। काफ़ी लंबा एक कॉरिडोर है जो रैंप के थ्रू आप कवर कर सकते हैं, या पैदल चलना चाहें तो पैदल भी चल सकते हैं। काफ़ी लंबा और सुंदर कॉरिडोर है यहाँ पे। ये देखिए, ये एस्केलेटर से उतर के डोमेस्टिक ट्रांसफ़र की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये देखिए एयरपोर्ट का एक खूबसूरत दृश्य, और ये डोमेस्टिक ट्रांसफ़र का वो सेक्शन जहाँ मुझे जाना है। सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मैं ये डिपार्चर साइट आ गया हूँ, जहाँ पे एक खूबसूरत कार खड़ी हुई है। और ये देखिए सुंदर दृश्य हॉल का, काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पर बड़े ब्रांड्स की शॉप्स हैं। देखिए शीशे से कुछ प्लेन्स दिख रहे हैं जो खड़े हुए हैं। और ये यहाँ का फूड कोर्ट जो कि काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। ये थोड़ा ऊपर से मैंने व्यू लिया है पूरे हॉल का। ये देखिए बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पर। और ये डिपार्चर साइट में जब हम आते हैं तो यहाँ भी रैंप बने हुए हैं। अभी उन्हीं में से एक रैंप पे खड़ा होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखिए साइड में जो सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपने डिपार्चर गेट की तरफ अभी बढ़ रहा हूँ। काफ़ी लंबा और ख़ूबसूरत कॉरिडोर है ये, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। हर बोर्डिंग गेट पे जाने में काफ़ी टाइम लगता है। अंदर भी बढ़िया बढ़िया शॉप्स हैं। ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है, एक बाहर का भी व्यू का होना चाहिए ना। ये पूरा दृश्य डिपार्चर साइट का ही है। यहाँ से गेट से मुझे अपना प्लेन बोर्ड करना है। काफी खूबसूरत और बढ़िया बना है ये बाहर का दृश्य। ये देखिए बाहर का व्यू बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। और काफ़ी सारा सेटिंग स्पेस भी बना है, हर बोर्ड के सामने अच्छा सेटिंग स्पेस है। और इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।